Now, third example is, there are 5% defective atoms in a large bulk of atoms. यानी defective atoms कितने हैं तो 5% है. What is the probability that a sample of 10 atoms will include not more than one defective atom? तो ये example में defective atom के probability given है और x यानी number of defective atoms से random variable हो गए. x क्या है? Number of defective atoms. रैंडम वेरिएबल एक्स लेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव एटम्स. अब सैंपल है 10 एटम्स. अब ये 10 एटम्स हैं, डिफेक्टिव एटम्स कितने रह सकते हैं? 0, 1, 2, 3 up to 10. यानी एक्स कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम 0, 1, 2, 3 up to 10. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एटम 5% डिफेक्टिव एटम्स आर टोटल जितने भी एटम्स हैं, बल्क ऑफ एटम्स हैं, 5% एटम्स आर डिफेक्टिव. यानी डिफेक्टिव एटम की प्रोबेबिलिटी है 5/100. 5% मीन्स 5/100, दैट मीन्स 1/20. यानी पी इक्वल टू हो गया 1/20. बाद में निकालना है क्यू. क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी. 1 माइनस पी मीन्स 1/20, दैट मीन्स 19/20. टोटल सैंपल कितने एटम्स के लिए? 10 एटम्स के लिए. एंड देयरफॉर एन इक्वल टू 10. हियर एन इक्वल टू 10. एक्स फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स 10, 1/20. एन इक्वल टू 10, पी इक्वल टू 1/20, एन कॉमा पी. एंड फॉर द पी एम एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय. पी एम एफ ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला पी एम एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय P of X capital X equal to small x equal to NCX P raised to X Q raised to N minus X. N की वैल्यू 10, 10CX. P means 1/20, 1/20 raised to X. Q means 19/20 and 10 minus X. N की वैल्यू 10, 10 माइनस एक्स. एक्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3 up to 10. प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है. सैंपल विल इंक्लूड नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव एटम. नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव एटम यानी एक्स की वैल्यू कितनी होना चाहिए? 1 or less than 1. 1 or less than 1 मीन्स 0. P ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और P ऑफ एक्स इक्वल टू 1. It is equal to P of x equal to 0 plus P of x equal to 1. X equal to 0, small x के लिए 0 है. The n 10 c 0, 1/20 raised to 0 और 19 raised to 10 minus 0, that means 10. X equal to 1, तो small x के लिए 1 रखना है. 10 c 1, 1/20 raised to 1 और 19 raised to 10 minus 1, that is 9. 10 c 0 है 1 और 10 सी 1 है 10, तो ये होगा 1. 1/20 रेस टू 0 मीन्स 1. 19/20 रेस टू 10 प्लस 10 सी 1 की वैल्यू है 10. 1/20 रेस टू 1 मीन्स 1/20. 19/20 रेस टू 9. यहाँ पे 19/20 रेस टू 10 और 19/20 रेस टू 9, तो 19/20 रेस टू 9 कॉमन देना है. यहाँ पे एक टर्म बचेंगे तो 19/20 प्लस 10 into 1/20, दैट मीन्स 1/2. यहाँ पे एलसीएम आ गया 20. न्यूमरेटर 19 प्लस 10, दैट मीन्स 29. 29/20, तो 19 रेस टू 9, 20 रेस टू 9 into 20, दैट मीन्स 20 रेस टू 10 और इंटू 20. सो 29 into 19 रेस टू 9 अपॉन 20 रेस टू 9 into 20 रेस टू 1, दैट मीन्स 20 रेस टू 10. ये हो गया करेक्ट आंसर. And therefore, hence the probability that a sample of 10 atoms will include not more than one defective atom is 29 into 19 raised to 9 upon 20 raised to 10. इसके बाद में 5 cards are drawn successfully with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that all the 5 cards are spades. Only 3 cards are spade. None is spade. अब इसमें x लेंगे नंबर ऑफ स्पेड्स.
जो कार्ड्स ड्रॉ किए अपन ने, टोटल 5 कार्ड्स ड्रॉ किए, तो इसमें स्पेड कितने कार्ड्स आए, तो नंबर ऑफ स्पेड्स ये हो गया एक्स रैंडम वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे सभी स्पेड गिवन है इसलिए नंबर ऑफ स्पेड लिया अपन ने एक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड दैट मीन्स पी इक्वल टू टोटल कार्ड्स है 52, इसमें स्पेड के 13 है तो प्रोबेबिलिटी हो गई 13/52 दैट मीन्स 1/4। बाद में क्यू निकालना है तो क्यू के लिए फॉर्मूला कौन सा है, 1-p 1-1/4 दैट मीन्स 3/4। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन विथ सक्सेसफुली विथ रिप्लेसमेंट यानी एन इक्वल टू 5 एंड द फोर एक्स फॉलोज बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 5,1/4 एन कॉमा पी 5,1/4 एंड द फॉर द पी एम एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय फॉर्मूला पी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू 5c(x) 1/4 x (3/4 x)-5-x एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स एक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3 up to 5। फर्स्ट नंबर में ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है यानी एक्स इक्वल टू 5 पी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू 5 कैपिटल एक्स इक्वल टू 5 फॉर्मूला कौन सा आएगा, पी 5c(5) 1/4 x 5 3/4 x 5-5 5-5 0 3/4 x 0 5c(5) means 1 5c(5) means 5c 0 5c(5) minus 5 0 5c 0 that means 1 1/4 x 5 3/4 x 0 it is 1 1/4 x 5 4 x 5 means 1024 1/1024 and the, hence the probability of all 5 cards are spade is 1/1024. By the way, probability only 3 cards are spade. 3 cards spade hai, to P of x equal to 3. P of x equal to 3 means 5c3, 1/4 x 3, 3/4 x 5-3, 5-3 means 2, 5c3, 5c3 means a shortcut method 5 × 4 × 3 / 3 × 2 × 1 3 cancel 2 × 4 that means 10, you get 10, you formula is bhi nikal sakte 1/4 x 3 yani 1/4 x 3 3 raised to 2 / 4 raised to 2 ये कैंसिल किए 3 raised to 3 दे 5 × 4 = 20/2 that means 10 10 × 9 = 90 / 4 raised to 5 means 1024 ये सिंप्लीफाई किए 2 से डिवाइड किए तो 45/512 एंड द फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड इज 45/512। नन इज स्पेड यानी पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी वेन एक्स इक्वल टू 0 पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर्मूला कौन सा आएगा 5c0 1/4 x 0 3/4 x 5-0 that is 5 5c0 means 1 1/4 x 0 means 1 this is 3 raised to 5 / 4 raised to 5 3 raised to 5 means 243 4 raised to 5 means 1024 and therefore the probability of only 3 cards are spade is 243/1024। The probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days of a use is 0.05. Find the probability that out of 5 such bulbs, none, not more than one, more than one, at least one, 4 examples हो गए, will fuse after 150 days of use. यहाँ पे x लेंगे, x denote the number of bulbs that will fuse after 150 days. तो total number of bulbs कितने लिए, 5 bulbs लिए, 5 bulbs में से कितने bulbs fuse होंगे, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, x can take the values from 0 to 5. Probability that bulb will fuse after 150 days, that probability given is 0.05, ये हो गया p. q निकालना है तो q equal to 1 minus p,
1 माइनस 0.05 दैट मीन्स 0.95। टोटल नंबर ऑफ वर्ब्स सिलेक्टेड है 5, दैट मीन्स n इक्वल टू 5। सो x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 5, 0.05। And therefore the PMF of x is given by P of x equal to 5cx 0.05 raised to x 0.95 raised to 5 minus x, x value 0 to 5. So first example, probability of none will fuse after 150 days of use. None will use in x equal to 0, P of x equal to 0. P of x equal to 0 means 5c0. 0.05 raised to 0, 0.95 raised to 5 minus 0, that is 5. 5C0 means 1, यहाँ पे 5C0 यानी 1 हो गया, 0.05 raised to 0 means 1, 0.95 raised to 5, this is the answer. And therefore the probability that none of the bulbs will fuse after 150 days is 0.95 whole raised to 5. Second number है, प्रॉबेबिलिटी दैट नॉट मोर देन वन, वन से ज़्यादा नहीं यानी वन या वन से कम, एक्स लेस देन और इक्वल टू वन, नॉट मोर देन वन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज। यहाँ पे पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू वन निकालना है। एक्स के लिए लेस देन और इक्वल टू वन मीन्स वन और जीरो, यानी पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो और पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन। ये हो गया पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन। पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के लिए फॉर्मूला 5C0, 0.05 raised to 0, 0.95 raised to 5. X equal to 1 के लिए 5C1, 0.05 raised to 1, 0.95 raised to 4. 5C0 यानी 1 हो गए, 0.05 raised to 0, that means 1, तो 0.95 raised to 5, ये first term. 5C1 means 5, 0.05 raised to 1 means 0.05 into 0.95 raised to 4. यहाँ से 0.95 raised to 4 कॉमन, ब्रैकेट में 0.95 प्लस 5 into 0.05 यानी 0. ये मल्टीप्लिकेशन 0.25, दोनों की एडिशन किए तो एडिशन है 1.2 into 0.95 raised to 4. इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट मोर देन वन बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज इज 1.2 into 0.95 raised to 4. इसके बाद थर्ड नंबर में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन वन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। नॉट मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा नहीं, यानी एक या एक से मोर देन, नहीं नॉट नहीं है, सिर्फ मोर देन वन। मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा, एक्स ग्रेटर देन वन। अब एक्स ग्रेटर देन वन में आएंगे 2, 3, 4, 5, इससे कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट लिया तो 1 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट, एक्स ग्रेटर देन वन का कॉम्प्लीमेंट लेस देन और इक्वल टू वन। लेस देन और इक्वल टू वन मीन्स वन और लेस देन वन, दैट मीन्स जीरो, जो अपन ने वैल्यू फाइंड किए प्रीवियस में 1.2 into 0.95 raised to 4। एंड फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट मोर देन वन बल्ब विल फ्यूज, मोर देन वन बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज इज 1 माइनस 1.2 into 0.95 raised to 4। Probability of at least one will fuse after 150 days of use. At least one यानी कम से कम एक, यानी एक से ज़्यादा। P of x greater than or equal to 1. P of x greater than or equal to 1 means यहाँ पे फिर से 1, 2, 3, 4, 5, तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 1 माइनस P of x greater than or equal to का कॉम्प्लीमेंट है x less than 1. Less than 1 means P of x equal to 0, जो अपन ने फर्स्ट नंबर में फाइंड किए P of x equal to 0, 0.95 raised to 5. तो 1 माइनस 0.95 raised to 5 ये होगा आंसर। एंड therefore the probability that at least one bulb will fuse after 150 days. यहाँ पे 150 is 1 माइनस 0.95 whole raised to 5.